Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. My name is Mariam and today I'm going to show you how to get this stunning black smoky eyes look with nude lips. If you are new here, please take a moment to subscribe to my channel. So if you're ready, let's get started. अपनी पिछली वीडियोस में बेस लगाना और फेस कंटूर करना आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, इसलिए आज पहले ही बेस और कंटूर कंप्लीट कर लिया है और अब बढ़ते हैं आई शैडो की तरफ। स्मोकी आईज़ के लिए मैं काशीज़ का सिल्क एंड स्लीक आई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स पैलेट है। इसके शेड्स बहुत पिगमेंटेड हैं और बिल्कुल फॉल आउट नहीं होगा। एक एंगल ब्रश से रिलैक्स शेड लूँगी, हल्का सा डस्ट करूँगी और पहले अपनी क्रीज पे लगा के ब्लेंड करूँगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता शेड को बिल्डअप करूँगी जब तक शेड की डेप्थ से सेटिस्फाई ना हो जाऊँ। अब एक थिन फ्लैट शेडर ब्रश से हार्मनी शेड अपनी क्रीज पे पहले प्लेस करूँगी और फिर एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से क्रीज लाइन पे ही उसे अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। याद रखें, इस स्टेप पे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से पेशेंटली इस शेड को अच्छी तरह टाइम लगाते हुए ब्लेंड करना होगा कि कोई हार्श लाइन ना रह जाए और दोनों शेड्स आपस में अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएं। अब सेम फ्लैट शेडर ब्रश से मैं दोबारा से हार्मनी शेड को अपनी पूरी आईलिड पर अच्छी तरह स्प्रेड करूँगी, एक डार्क सी लेयर क्रिएट करूँगी। पेंसिल ब्रश को लेते हुए उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करना शुरू करूँगी। इस बात का ध्यान रखना है कि शेड को ज़्यादा ऊपर लेकर नहीं जाना, क्रीज लाइन के नीचे ही रखना है और बस उसको क्रीज लाइन पे जो हमने पहले ब्लैक शेड लगाया था उसके साथ ही अच्छी तरह ब्लेंड करना है। इस ब्लेंडिंग में काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, तो पेशेंटली आप इसको ब्लेंड कीजिएगा। तो अब एक और क्लीन पेंसिल ब्रश को लेते हुए मैंने दोबारा से रिलैक्स शेड अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे लगाया है, उसे अच्छी तरह ब्लेंड किया है और उसके ऊपर मैंने दोबारा से हार्मनी शेड यानी कि ब्लैक शेड हल्का सा लेकर नीचे रिलैक्स के साथ ब्लेंड कर दिया है। चलिए जी, हमारी सिंपल एंड ईजी आई शेडो एप्लीकेशन कम्प्लीट हो गई। अब हम काजल लगाएंगे। मैं लगा रही हूँ एसेंस की लॉन्ग लास्टिंग आई पेंसिल इन कलर ब्लैक फीवर नंबर 1। आप अपनी पसंद की कोई भी आई पेंसिल लगा सकते हैं। आई लैशेज और मस्कारा लगाने से पहले मैं अपनी आई लैशेज को कलर से कर्ल कर लूँगी। सिर्फ आई लैशेज कर्ल कर लेने से ही ऑटोमेटिकली फॉल्स आई लैशेज का लुक आ जाता है, लेकिन क्योंकि मैं इंटेंस स्मोकी आईज क्रिएट कर रही हूँ तो मैं फॉल्स लैशेज भी लगाऊँगी। लैशेज कर्ल करने के बाद हम मस्कारा लगाएंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ सिफोरा का साइज अप मस्कारा। अब आई लैशेज लगाएंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ कॉस्मेटिक्स लंडन आई ल्योर आई लैशेज इन नंबर 129। आप अपनी पसंद की कोई भी लैशेज यूज़ कर सकते हैं। आई लुक को कम्प्लीट करने के लिए हम आई लाइनर लगाएंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ काशीज का ब्लैक आई लाइनर। इस लाइनर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैट है, डीप ब्लैक कलर है और इसकी टिप इतनी फाइन है कि आप थिन से थिन लाइनर लगा सकते हैं। आई मेकअप कंप्लीट हुआ। अब फेस को डेप देने के लिए मैं पाउडर कंटूरर लगाऊंगी। ये कंटूरर काशीज के कंटूर पैलेट से है। इनके कंटूर पैलेट में काफ़ी सारे शेड्स हैं जो कि कंटूरिंग के लिए भी और ब्लश के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, तो मैं अपने चीक्स, नोज, फोरहेड और जॉ लाइन को कंटूर करूँगी और फिर एक ब्लशर ब्रश को यूज़ करते हुए इसी पैलेट में से पीच टोन का ब्लश अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। फेस को हसीन सा ग्लो देने के लिए हाइलाइटर लगाएंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ नोट का टेराकोटा ब्लशर इन शेड नंबर 1 प्लेजर। अब एक थिन फ्लैट ब्रश लेकर इसी हाइलाइटर से अपनी ब्रो बोन्स को भी हाईलाइट करूँगी और अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करूँगी। अब मैं अपने लिप्स को कॉन्टोर करूंगी। मैं यूज़ कर रही हूँ वाइकॉन की इंटेंस लिप पेंसिल इन शेड वाइन न्यूड। अपने लिप्स के शेप को मेंटेन करते हुए लिप लाइनर को लिप्स की आउटलाइन पे लगाऊंगी और फिर मेबेलिन न्यूयॉर्क का क्रीमी मैट लिप कलर इन शेड M304 मिस्टीरियस मौका अपने लिप्स पे लगाऊंगी। ये एक बहुत ही हसीन सा न्यूड कलर है। फाइनली ये है ब्लैक स्मोकी आईज विद न्यूड लिप्स का कम्प्लीट लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ सो, डू लाइक एंड शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।